सेंट्रल कमेटी है माओइस्ट की, वो डायरेक्ट अपने ओवरग्राउंड काडर से डायरेक्टली कम्युनिकेट नहीं करती, उनका कम्युनिकेशन रोना विल्सन और गार्डलिंग के थ्रू होता है। डिवाइसेस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड मैसेजेस भेजे जाते हैं इनके पास, और ये वहां से कुरियर के द्वारा भेजे जाते हैं, कुरियर का सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, और ये वहां से फर्दर उस अगर जो मैसेजेस भेजने पड़ते हैं, मेल्स भेजी जाती हैं, पुनः कुरियर के द्वारा डिवाइसेस पर डालकर बाकी ओवरग्राउंड कार्डर्स को ये भेज दिया जाता था। क्लियरली इन सभी आरोपियों का रोल एस्टैब्लिश करती है, माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एस्टैब्लिश करती है, आर्म्ड जो इनका आर्म जो डिजाइन है, आर्म्ड ओवरथ्रो ऑफ द गवर्नमेंट का डिजाइन है माओइस्ट का, उसमें किस प्रकार क्या रोल इनको असाइन किए जाते थे, क्या इनको डायरेक्शन दी जाती थी, ये लोग किस प्रकार से कम्युनिकेट करते थे, अपने सुझाव देते थे, अपना रोल किस प्रकार से निभा रहे हैं, उसके बारे में रिपोर्ट दी जाती थी सेंट्रल कमेटी को, वो सारा एविडेंस हमको प्राप्त हो चुका है। और उस एविडेंस के बेसिस पे ही जो 29 तारीख को रेड थी, पूरे भारत में अलग अलग जगह पर 9 जगहों पर यह रेड की गई थी।